नमस्कार। मेरे वीडियोस के द्वारा आपको प्रायः कई सारे व्रतों और उनकी महिमा के बारे में जानकारियाँ मिलते रहती है, मगर आज हम व्रत के प्रकार के बारे में जानेंगे। जी हाँ, तो व्रतों में पहला प्रकार है कायिक व्रत। इनमें आमतौर पर हम एकादशी, नवरात्रि, शिवरात्रि, सावन की सोमवारी या सोमवार, मंगलवार या रविवार या जो भी व्रत करते हैं उस दिन हम कम खाते हैं या एक समय खाते हैं, फलाहार पर रहते हैं, नींबू पानी पीते हैं या निर्जला रखते हैं, तो ये शरीर से संबंधित जो भी व्रत होते हैं इन्हें कायिक व्रत कहते हैं। दूसरा व्रत होता है वाचिक, यानी हम किसी शुभ दिन पर ऐसा संकल्प लेते हैं कि पूरे नवरात्रि या पूरे सावन या किसी भी शुभ दिन पर हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम अपशब्द नहीं बोलेंगे, किसी का अपने वाणी के द्वारा अपमान नहीं करेंगे, तो इसे वाचिक व्रत करते हैं। ये कायिक व्रत से थोड़ा कठिन होता है क्योंकि हमें इस पर अपनी वाणी पे संयम करके रखना पड़ता है। और कहा भी गया है कि मौनम सर्वार्थ साधनम, यदि हम मौन रहें या अपनी वाणी पे कंट्रोल करके रहें तो हम कई सारे शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं और हमारी वाणी, हमारे शब्दों की तरंगे अस्तित्व को बहुत अधिक प्रभावित करती है। ये हमारे या किसी और के मेमोरीज में बनी रहती है, तो हम जो भी बोलते हैं या जो भी हम सुनते हैं उस पे भी हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। और व्रतों का अंतिम प्रकार है मानसिक व्रत। इसमें हम अपने विचारों को साधते हैं, यानी हम किसी के बारे में दुर्भावना न लाएँ, किसी के बारे में कुछ बुरा न सोचें, ऐसा यदि हम संकल्प लेते हैं इस व्रत का तो इसे मानसिक व्रत कहते हैं। इन तीनों प्रकार के व्रतों में मानसिक व्रत को सबसे उत्तम माना गया है और उपवास का अर्थ ही होता है भगवान के पास जो क्रिया हमें ले जाए उसे उपवास कहते हैं। हमारे तप बल से जो योग कराएं भगवान में उसे उपवास कहते हैं।